तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। और अभी मैं हूँ आपका वाराणसी के रोहनिया में। और आज देखा जाए तो आज है आपका 10 अक्टूबर और 10 अक्टूबर को ही आपका देखा जाए तो कांग्रेस की यानी आज प्रियंका गांधी आने वाली हैं। और यह जो स्थान है जहाँ पर वो आने वाली हैं, उनका रैली है आपका वाराणसी के जगतपुर इंटर कॉलेज में, उनका रैली होने वाला है। तो दोस्तों मैं आज उसी को दिखाने वाला हूं, तो वीडियो में आप कंटिन्यू बने रहिएगा। तो चलिए चलते हैं, आपको दिखाते हैं वहां पर क्या हो रहा है इस समय। तो दोस्तों अभी मैं हूं आपका जगतपुर इंटर कॉलेज के बाहर। ये बाहर का नज़ारा आप देख रहे हैं, जो कि बहुत सी जो आप गाड़ी देखेंगे, स्कॉर्पियो हो गया, फार्चुनर हो गया, यानी देखा जाए तो UP 70 UP 54, वैसे अपने वाराणसी में तो UP 65 चलता है, जैसा कि आप देख रहे होंगे। पूरा गाड़ी आपका दोनों साइड में खड़ा हुआ है। और ये सामने ही देख रहे होंगे जो कि प्रियंका गांधी का बहुत बड़ा होर्डिंग लगा हुआ है, ये देख रहे होंगे। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं अंदर भी, देखते हैं वहाँ क्या हो रहा है। तो चलिए चलते हैं आगे। ये देख रहे हैं बड़ा बड़ा होर्डिंग प्रियंका गांधी और राहुल गांधी का। और इस समय देखा जाए तो सुबह के इस समय देखा जाए 10:30 बज रहा है। और यही जो रास्ता है आपका, जो कि जो मैदान है जगतपुर का आपका इंटर कॉलेज का, ये मैदान के पास जाएगा। ये देखो इस साइड भी, और BSC के जवान भी आपके तैनात है। ये देख रहे हैं यहाँ पर आपका चेकिंग भी हो रहा है, डिवाइस लगा हुआ है चेक करने का। ये देखिए यहाँ पर चेकिंग हो रहा है, चलिए हम भी अपना चेकिंग करवा लेते हैं। सबको करना है। ये भैया यहाँ पे क्या हो रहा है? हाँ जी जी, अच्छा अच्छा जनता द्वारा जी जी देना है। अच्छा यानी जो फॉर्म में भरना है ना। ये देखो इस साइड आप देखेंगे बैठने के लिए यहाँ पर कुर्सियाँ भी लगाया गया है। ये देख रहे हैं ये जगतपुर इंटर कॉलेज का, ये देख रहे हैं जबरदस्त मैदान है। और देखा जाए तो ये आपका जो वाराणसी शहर है, वाराणसी शहर से ये काफ़ी दूर पर है। और यहाँ पर आप देखें पूरा गांव एरिया है, और इसीलिए इसको यहाँ पर यानी कि जो रैली है यही पर आपका संपन्न होगा। ये देखिए आप मैदान में भी आप देख रहे होंगे जो कि बड़े बड़े होर्डिंग लगाए गए हैं प्रियंका गांधी जी का। और कुछ ही क्षणों में यानी देखा जाए तो उनका रैली 11 बजे से शुरू होगा। और यहाँ पर देखें किसी साइड यानी उस साइड भी आपका जो कि LED स्क्रीन भी लगाया गया है। तो चलिए लेकर चलते हैं आपको अंदर। यानी उस साइड महिलाएं देखा जाए, एक छोटा सा बोर्ड भी लगाया गया है कि कहां पर महिलाएं बैठेंगी और कहां पर पुरुष बैठेंगे। तो दोस्तों अभी तो देखा जाए तो अभी मैं आपका जगतपुर इंटर कॉलेज मैदान में स्थित हूं। और देखेंगे तो यहां पर आपका PSC UP पुलिस यानी सभी आपके लगे हुए हैं। तो ये नज़ारा कुछ इस प्रकार है जगतपुर इंटर कॉलेज मैदान का। जो पहले आए हैं अपना देख रहे हैं कुर्सी कब्जा करके बैठ चुके हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे जो कि यहाँ पर ये देखिए इस साइड आपका कैमरा भी लगा हुआ है मीडिया कर्मी लोग का। और देखिए वहीं से आपका प्रियंका गांधी जो है भाषण देंगे। तो दोस्तों ये जो आप कैमरा देख रहे हैं ये पूरा मीडिया कर्मी लोग का है, और यही से अपना प्रियंका गांधी जी जब भाषण देंगे तो पूरा शूट होगा। और उस साइड देखा जाए तो वहाँ पे आपका गाना का भी मंच लगा हुआ है, ये देखिए।
अजय कुमार मिश्रा टेनी को बर्खास्त करो, यानी कुछ ऐसा कुछ लिखा हुआ है और यह नज़ारा कुछ इस प्रकार। चलिए आपका उस साइड भी आपको लेकर चलते हैं जहाँ पर मंच लगा हुआ है, गाना गा रहे हैं। ये देख रहे हैं सिस्टम बड़े जबरदस्त लगा है, यानी लाइव टेलीकास्ट भी हो सकता है यहाँ से। ये देखिए यहाँ पर, और कैमरा देखा जाए तो कैमरा कई सारा यहाँ पर लगे हुए हैं। कैमरा देखिए सामने इस साइड में लगा हुआ है और इस साइड देखेंगे तो आपका इस साइड में लगा हुआ है और उस साइड आपका मीडिया कर्मी है। यानी देखा जाए तो जो कांग्रेस के जो छोटे नेता होगा या फिर जो भी विधायक पार्षद आपका सभी देखा जाए सभी अपने टीम के साथ आ रहे हैं यहाँ पर, जैसा कि आप देख रहे होंगे ये इस साइड। और देखिए यहाँ से जो आपका जो मंच पे जाएगा जो बड़े नेता होंगे तो यहाँ से उनका एंट्री होगा। देख रहे होंगे भीड़ कुछ इस प्रकार है। ये देखिए यही जो जाएगा रास्ता आपका मंच पर। यही मंच है और देखा जाए तो कई तरफ आपका देखेंगे साउंड भी लगा हुआ है, आपका उस साइड साउंड भी लगा हुआ है कि जो यहाँ पर बैठे रहेंगे कुर्सी पर वो लोग भी सुन सके इनका भाषण। और इस साइड भी देखिए सब लोग अपना अपना प्रचार किए हुए हैं। विशाल सिंह प्रतिज्ञा यानी प्रतिज्ञा रैली है आपका रोशनी कुशल जायसवाल प्रिंस राय और विकास सिंह, यानी सभी लोग अपना प्रचार किए हुए यहाँ पर जो कि छोटा छोटा एक होर्डिंग लगाकर। और देखा जाए तो वैसे यहाँ पर इस मैदान में आने के दो रास्ते हैं, एक तो इस साइड आपका देख रहे होंगे और जिस साइड से मैं आया था एक वो रास्ता है। ये देखिए इस साइड कई सारे आपका साउंड लगा हुआ है। आप
प्रचार कर लूं। अब मैं हमारे मुस्लिम धर्मगुरु जी यहाँ पे पधारे हैं, मुस्लिम धर्मगुरु से निवेदन करूंगा कि वो अपनी प्रार्थना जो है आप कृपया नवरात्र का अवसर है, शक्ति की हम उपासना करते हैं और नारी शक्ति हमारे बीच में यहाँ पे उपस्थित है। और जब नारी शक्ति जो है राक्षसों का संहार करने के लिए अगर वो ठान ले, तो जिन किसानों के साथ अन्याय हुआ है, जिन राक्षसों ने जो है इस प्रदेश की जनता को प्रताड़ित करने का काम किया है, वो नारी शक्ति बनकर प्रियंका गांधी हमारे बीच में उपस्थित है। और इन सभी राक्षसों मैया की, अन्नपूर्णा मैया की, किसान न्याय सम्मेलन और हमारा नारा है जय जवान जय किसान का नारा लगाएंगे पूरी ताकत के साथ। चलिए लगाते हैं, जय जवान जय किसान, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। अब मैं जिसका नारा लगाने जा रहा हूं, जिन्होंने सोनभद्र से लेकर लखीमपुर तक के जो लड़ाई लड़ी, उसके लिए नारा लगाने जा रहा हूं। यहां से लेकर वहां तक और इधर से लेकर इधर तक सब एक साथ मुट्ठी तांग के नारा लगाएंगे। तैयार है? प्रियंका गांधी, थोड़ा जोर से आवाज आना चाहिए और हाथ उठना चाहिए। प्रियंका गांधी, माइक में उपस्थित आदरणीय भाई अजय कुमार लल्लू जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष, आदरणीय बहन आराधना मिश्रा जी, नेता प्रतिपक्ष, आदरणीय प्रमोद तिवारी जी, सलमान खुर्शीद जी, प्रियत पुनिया जी, रश्मिद्दीन जी, भाई अजय राय जी, बहुत हमारे दमदार साथी पूर्व सांसद भाई राजेश मिश्र जी, हमारे हरियाणा से आए नौजवान साथी भाई दीपेंद्र हुड्डा जी, आदित्य जी, रोशन गुप्ता जी, सुप्रिया नेत्र जी, इमरान प्रतापगढ़ी जी, राकेश सचान जी, और जो कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं भाई राजेश तिवारी जी, और मंच में बैठे हुए सभी हमारे नेतागण जिसका भी नाम नहीं लिया हूँ, सबसे क्षमा चाहते हुए, वक्त एक माल है तो मैं अपने बात जल्दी से जल्दी कहूं, क्योंकि आप सब प्रियंका जी को सुनना चाहते हैं, अपने नेता को सुनना चाहते हैं। अंग्रेजों के मानने वाले सावरकर, उसके मानने वाले आरएसएस के लोग, और यही लोग हैं जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई कर रहे थे तो मुखबिरी करने का काम ये लोग करते थे। और दूसरे तरफ महात्मा गांधी ने किसानों की लड़ाई लड़ी, नेहरू जी ने किसानों की लड़ाई लड़ी, पटेल जी ने किसानों की लड़ाई लड़ते हुए देश की आजादी दिलाई। एक लाइन अंग्रेजों की है, दूसरे लाइन कांग्रेस और गांधी की है, वो अभी भी है। उस समय भी मुंशीगंज में 13 लोगों को भूना था अंग्रेजों ने, और लखीमपुर में भी 8 लोगों को गाड़ी से रौंदा गया,
ये उस मानसिकता के हैं जो उसका विरोध करे गोली से खून देंगे, ट्रक चढ़ा देंगे, गाड़ी से रौंद देंगे। लेकिन हम लोग गांधी के मानने वाले अहिंसक लोग, लेकिन अन्याय अत्याचार का विरोध करना हम जानते हैं। और आपने देखा कि किस प्रकार से सोनभद्र में आदिवासियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, अत्याचार हुआ, प्रियंका जी को वहां गिरफ्तारी देना पड़ा। किस प्रकार से आपने देखा हाथरस की लड़ाई, अनुसूचित जाति बेटी के हक की लड़ाई प्रियंका जी ने लड़ाई लड़ी। और किस प्रकार से लखीमपुर की बात, जो किसानों की लड़ाई पूरे देश में लड़ी जा रही है, उत्तर प्रदेश के पुलिस को छकाते हुए रात 11 बजे लखनऊ एयरपोर्ट निकलते 4 बजे उसकी गिरफ्तारी। अनुसूचित जाति का और दलितों की लड़ाई हो, चाहे वो किसानों की लड़ाई हो, चाहे वो महिलाओं की लड़ाई हो, वो लड़ाई लड़ने वाले कोई एक व्यक्ति का नाम है। तो आप लोग बताएं कौन है? आवाज नहीं आ रही मुझे, पीछे भी आवाज आना चाहिए। वो लड़ाई लड़ने वाला शख्स कौन? तो एक तरफ आपके हक अधिकार के लड़ने वाले लोग हैं, दूसरे तरफ धर्म के नाम से लड़ाने वाले लोग हैं। गौ माता की जयकारा करते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के सड़कों में, उत्तर प्रदेश के गांव के गलियों में किस प्रकार से गौ माता खुले में घूम रही है, उसे आप सब देख रहे हैं। गौ माता की कभी सेवा नहीं किए, लेकिन उसके नाम से वोट जरूर मांगेंगे। लेकिन आप चलिए छत्तीसगढ़ देखिए, गौ माता की सेवा हम कैसे कर रहे हैं। 2 रुपया किलो में गोबर खरीद रहे हैं, 2 रुपया किलो में गोबर, उसे वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं। अब तो 2 अक्टूबर को बिजली बनाना भी शुरू कर दिया है। तो आपसे बहुत ज्यादा अनुगत हुए प्रियंका जी को, आप सुनना चाहते हैं जो छत्तीसगढ़ में किसान, आदिवासी, दलितों के हक में, महिलाओं के हक में जो फैसला हुआ है, नौजवानों के हक में फैसला हुआ है। मैं समझता हूं कि आने वाले दिन में जब यहां चुनाव होगा तो निश्चित रूप से आप सब उत्तर देंगे, और उत्तर होगा प्रियंका जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, किसानों के, दलितों के, अनुसूचित जाति के, जनजाति के हक में फैसले होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ, आपने मुझे ध्यान से सुना, वक्त ज्यादा ले लिया, इसके लिए क्षमा चाहते हुए आप सबको हृदय से प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। बोले बाबा विश्वनाथ की, माता अन्नपूर्णा की। धन्यवाद। मैं आमंत्रित करता हूँ इसके बाद जो है बहुत ही सम्मान के साथ इमरान जी जो है आभार प्रदर्शन करेंगे, उनके नृत्य भी सुनेंगे। प्रियंका गांधी, अजय राय जी,
श्री इमरान प्रताप गढ़ी जी, प्रदीप माथुर जी, विवेक बंसल जी, प्रदीप जैन आदित्य जी, दीपक सिंह एमएलसी जी, जितेंद्र सिंह एक्स एमपी, कमल किशोर कमांडो जी, किशोरीलाल शर्मा जी, मोहम्मद मुकीम जी, नदीम जावेद जी, राकेश सचान जी, सुप्रिया श्रीनेत जी, सुहेल अंसारी जी, जफर अली नकवी जी, पंकज मलिक जी, रिजलाल खाबरी जी, श्री अनुग्रह नारायण सिंह जी, उपस्थित प्रदेश कांग्रेस के कमेटी के पदाधिकारी, फ्रंटल विभाग प्रकोष्ठ के पदाधिकारी, सभी जिला शहर अध्यक्ष, युवा किसान महिला और मीडिया के मेरे साथी, आप सबका इस सभा में बहुत बहुत स्वागत। जैसे मैंने कहा, नवरात्रि चल रही है, इस समय मुझे उचित लगा कि मैं आपसे अपने दिल की बात कहूं। जो सच्चाई मैंने उत्तर प्रदेश में पिछले 2 सालों से देखी है, जब से मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ, वो सच्चाई मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। शुरू शुरू में जब मैंने यहाँ काम करना शुरू किया तो एक घटना हुई, यहाँ से कुछ ही दूर सोनभद्र में। इस घटना में 13 आदिवासी खेत में काम कर रहे थे, जब पुलिस प्रशासन की सहमति से कुछ लोग उनकी जमीन लेने की कोशिश कर रहे थे, वो लोग आए, ट्रैक्टर जीप लेके आए और उन्होंने मारपीट की, गोली चलाई और 13 आदिवासियों को शहीद किया। सोनभद्र में नरसंहार हुआ। जब मैं उनसे मिलने गई तो मेरे मन में एक बात बहुत स्पष्ट मुझे लगी। जिस परिवार के पास मैं जा रही थी, वे कह रहे थे हमें मुआवजा नहीं चाहिए, हमें पैसा नहीं चाहिए किसी सरकार का, हमें न्याय चाहिए। लेकिन दीदी, हमें न्याय की उम्मीद नहीं है। उसके बाद कुछ महीनों बाद उन्नाव में 2 हादसे हुए। मैं पीड़ित महिलाओं के घर गई, मैंने उनके पिताजी से बात की। उनके पिताजी ने मुझसे कहा कि उनको घर के बाहर निकालकर उन्हें पीटा गया था, उनके बच्चों को धमकाया गया था, उनकी 9 साल की एक पोती को धमकाया गया था, लेकिन उनको न्याय की कोई उम्मीद नहीं थी। वे सिर्फ न्याय चाहते थे लेकिन न्याय की उम्मीद नहीं थी उन्हें। उन मामलों में भी भाजपा के एक पूर्व विधायक, भाजपा के एक प्रधान के बेटे, भाजपा के एक कार्यकर्ता, तीनों मामलों में वे इन्वॉल्व थे। उसके बाद कोरोना हुआ। कोरोना के समय जहां जहां से रिपोर्ट आई, वहां से वही रिपोर्ट आई कि जनता त्रस्त है, परेशान है, सरकार मदद के बजाय आक्रामक हो गई है। जो भी सुविधाएं थी, अगर कोई कहता था कि मेरे पास सुविधा नहीं है, मेरे पास ऑक्सीजन नहीं है, कोई अस्पताल ने कह दिया कि ऑक्सीजन खत्म हो रहा है, तो सरकार उन पर आक्रमण कर रही थी। उनको न्याय की उम्मीद नहीं थी, उनको ये उम्मीद नहीं थी कि यह सरकार संकट के समय उनकी मदद करेगी। उसके बाद हाथरस का हादसा हुआ, जिसमें आप सबने देखा कि सरकार ने अपराधियों पर आक्रमण नहीं किया, सरकार ने अपराधियों को नहीं रोका, सरकार ने परिवार के सदस्यों को अपनी बेटी को की चिता जलाने से रोका। उनको ले भी नहीं गए साथ, पुलिस प्रशासन ने चिता जला दी। उस परिवार ने भी मुझे कहा कि दीदी, हमको न्याय चाहिए, लेकिन न्याय की हम उम्मीद नहीं रख सकते। आज
लखीमपुर खेरी में जो हुआ पिछले हफ्ते से हम देख रहे हैं। इस देश के गृह राज्य मंत्री के बेटे ने अपनी गाड़ी के नीचे, अपनी जीप के नीचे 6 किसानों को निर्ममता से कुचल दिया और सब परिवार, 6 के 6 परिवार ये कहते हैं कि हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें मुआवजा नहीं चाहिए, हमें न्याय चाहिए। लेकिन हमें न्याय दिलवाने वाला इस सरकार में हमें नहीं दिख रहा है। आपने देखा कि सरकार पूरी तरह से उस मंत्री और उस मंत्री के बेटे की बचत में लगी रही। पुलिस और प्रशासन विपक्ष के नेताओं को रोकने में लगी थी। जब मैंने रात में वहां जाने की कोशिश की तब हर सड़क पे पुलिस थी, मुझे रोकने की कोशिश की, तमाम पुलिस के घेरे थे, नाकाबंदियां थी। जो परिवार है, पीड़ित परिवार है, उनके घरों में उन्हें नजरबंद किया गया, लेकिन अपराधी को पकड़ने के लिए एक भी पुलिस वाला नहीं निकला। अपराधी के घर में उन्होंने निमंत्रण भेजा कि आप आकर हमसे बात करिए। आपने किसी भी देश में धान और गेहूं का दाम नहीं मिलता, यूरिया खाद बेहद महंगा हो गया है, GST खेती के जो खेती में काम करने के इंस्ट्रूमेंट होते हैं उन पर भी GST लगा रखी है, 100 रुपए का पेट्रोल, 90 रुपए का डीजल, 900 रुपए में रसोई का गैस, 1000 रुपए में रसोई का गैस, 23 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे चले गए हैं, कोयला खत्म हो रहा है, बेरोजगारी चरम पे है। जहां जहां जाओ बेरोजगारी युवा मिलते हैं। परसों में लखनऊ की एक बस्ती में गई, मैं इसलिए गई थी क्योंकि योगी जी ने एक ऐसे शब्द इस्तेमाल किए सफाई कर्मचारियों के प्रति, मेरी बहनों के प्रति जो रोज सुबह अपने घर में झाड़ू मारते हैं, जो सफाई करते हैं, हमारे देश हमारी शहरों को साफ रखते हैं, उनके प्रति उन्होंने अब शब्द कहे। तो मैं एक बस्ती में गई वाल्मीकि मंदिर में झाड़ू लगाने के लिए और उन सब से बात करने के लिए जो इस काम को अपनी आमदनी के लिए, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए करते हैं। उन सब ने मुझे बताया, मैं घर गई, घर घर गई, घर घर गई, एक घर से दूसरे घर गई, हर घर में मुझे बताया, अपने युवा बच्चे मेरे सामने लाए, किसी ने MA किया था, किसी ने BA किया था, किसी ने ITI किया था, किसी के पास नौकरी नहीं थी, किसी एक का रोजगार नहीं था, और जो रोजगार कर रहे थे, जो सफाई कर्मचारी थे, उनका वेतन महीनों से नहीं बढ़ाया गया था। दुखी है जनता, त्रस्त है, नाराज भी है, और नाराज होना चाहिए, क्योंकि जिस समय आप इन परेशानियों से गुजर रहे हैं, आप संघर्ष कर रहे हैं, उसी समय प्रधानमंत्री जी के खरबपति मित्र करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा दिन में कमाते हैं, और आपकी आमदनी एकदम बंद है। कोरोना के समय तमाम छोटे बिजनेस, छोटे व्यापारी, तमाम लोगों को अपने काम बंद करने पड़े, अपनी दुकानें बंद करनी पड़ी, अपने व्यापार बंद करने पड़े। क्या सरकार ने कोई राहत दी? कोई राहत नहीं मिली, सिर्फ आपको प्रताड़ित किया, कभी GST, कभी नोटबंदी, कभी कुछ और। सब देशों में, इस पूरी दुनिया में, सब देशों में जहां जहां कोरोना की मार पड़ी, सरकार ने राहत दी,
लेकिन आपको कोई राहत नहीं मिली। देश के हवाई अड्डों, देश की रेलवे, तमाम PSU इनके खरबपति मित्रों को सौंपी गई हैं। आपको मालूम नहीं होगा शायद, प्रधानमंत्री जी ने पिछले साल अपने लिए 2 हवाई जहाज खरीदे। आप बताइए कितने के हो सकते हैं ये हवाई जहाज? सब मालूम है, सब पता है। एक हवाई जहाज 8,000 करोड़ का था, 2 हवाई जहाज खरीदे कितने के? और इस देश की पूरी एयर इंडिया कितने में बेची? अपने खरबपति मित्रों को कितने में बेची? 18,000 करोड़ में बेची। 2 हवाई जहाज अपने लिए खरीदे 16,000 करोड़ के। इस देश की एयर इंडिया को 18,000 करोड़ के लिए अपने दोस्तों को बेच दी। देखिए, समझ